स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए हैं। सोनीपत में जब विभाग के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली कि गन्नौर क्षेत्र के गांव टेहा में मिलावटी घी और पनीर का एक गोदाम मौजूद है, विभाग के अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच की टीम के साथ जब मौके पर पहुंचकर रेड की तब 437 किलो सफेद घी और 260 किलो पनीर मौके से बरामद हुआ। विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जब गुणवत्ता को चेक किया तो वह सही नहीं मिले, जिसके सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। डॉक्टर बीरेंद्र सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट में फूड सेफ्टी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हूँ, और आज जो है मैं सीआई स्टाफ के जो इंस्पेक्टर चांद सिंह हैं, उन्होंने मुझे सूचना दी कि हमें मुखबिर के थ्रू एक सूचना मिली है कि कहीं जो है वो मक्खन और पनीर जो है वो बन रहा है। तो हम मौके पर आए हैं और मौके पर आकर के हमें देखा है कि यहाँ पर वाइट बटर है और पनीर भी है। वाइट बटर का हमने सैंपल ले लिया है। वाइट बटर की जो क्वांटिटी यहाँ पे है, जिसमें एक एक किलो की पैकिंग भी है और पाँच पाँच किलो की पैकिंग भी है, 10 किलो की पैकिंग भी है। जो एक एक किलो की पैकिंग है वो 57 है और पाँच पाँच किलो की पैकिंग 68 है और 10 किलो की पैकिंग 4 है। तो टोटल ये 437 किलो जो है वाइट बटर हमारे पास, हमने यहाँ पर बरामद किया है। और पनीर भी इनके पास है जो 260 किलो का पनीर है। पनीर का भी हम सैंपल लेंगे। दोनों चीज़ का सैंपल लेके, सैंपल अभी मौके पर हम लोग सील कर रहे हैं। सील करके इनको चंडीगढ़ लैब में भेज दिया जाएगा। आगामी कार्रवाई जो है चंडीगढ़ लैब से जैसे ही रिपोर्ट आएगी, जो रिपोर्ट की लैब की रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट कानून के तहत जो कार्रवाई में बनती है वो की जाएगी। सर कब तक रिपोर्ट आएगी इसकी? रिपोर्ट 14 डेज के अंदर आती है। सर कई बार ऐसा देखा गया है सैंपल ले लिए जाते हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं है। सर अब ऐसा नहीं है, पहले थोड़ा लैब ओवरबर्डन थी, अभी रिपोर्टें टाइम पे आती है। पीछे भी आप जब गन्नौर में मेरे साथ थे, मेरे ख्याल से सबकी रिपोर्टें टाइम पे आ रही थी और हमने सब पे प्रेशर कर रखा है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।